आज हम सबके लिए ग्वालियर में एक ऐतिहासिक दिवस है और इसके पीछे दो कारण है। प्रथम कारण, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का इस सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थिति ग्वालियर चंबल संभाग की विकास और प्रगति की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए एक नया इतिहास रचा जाएगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। यह पहला कारण। और दूसरा कारण मेरे लिए व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत इसलिए है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय भगवान महाकाल के नगरी उज्जैन के हमारे प्रतिनिधि हैं और भगवान महाकाल के उज्जैन के प्रतिनिधि जब प्रदेश के कमान को संभाल चुके हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की विकास और प्रगति में एक नया इतिहास रचा जाएगा। और इसलिए भी एक दिल का रिश्ता है क्योंकि उज्जैन पूर्व राजधानी सिंधिया स्टेट की भी रही है, तो एक पारिवारिक संबंध और भावनात्मक संबंध मोहन यादव जी के साथ स्वतः मेरा है। और इसलिए दिल में एक नई उमंग और नई खुशी है कि जब वे ग्वालियर पधारे हैं तो पहला कार्यक्रम अगर किया जा रहा है तो गौ माता का पूजन और गौ माता का संरक्षण का कार्यक्रम किया जाए। कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि जो व्यक्ति गौ माता के खुर से उड़ी हुई धूल को अपने माथे पे लगाए तो जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। और आज वही एक इतिहास जो प्राचीन समय में हमारे शास्त्रों में लिखी गई थी, भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य अंग और अमूल्य प्रण हमारी गौ माता रही है। चाहे आप देखो एक तरफ गंगा हो, गोमती हो, गीता हो, गोविंद हो, गंगा हो, गोमती हो, गीता हो या गोविंद हो, वहीं दूसरे तरफ गोपालन हो, गौ सेवा हो और गौदान हो। ये हमारी भारत माता की भूमि की संस्कृति का अभिन्न अंग सदैव रहा है और इसी महान परंपरा को पीढ़ी भर पीढ़ी इस देश में निभाने का कार्य किया है। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। और जहां एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, वहीं मेरे भाई और बहनों हमारी गांव की आत्मा हमारी गौ में बसती है। जब भारत की आत्मा गांव में बसती है वही गांव की आत्मा आज भी हमारे गौ में बसती है। और इसलिए गौ का पूजन, गौ माता का संरक्षण, गौ माता का पूर्ण रूप से देखभाल करना उसी मोक्ष के प्रति हमारा रास्ता सुलभ करने का एक कर्तव्य है। और आज इस मंच में हम सभी स्वामियों को हम उनके चरणों पे नमन करते हैं कि उन्होंने हमें ग्वालियर में ये दिशा दिखाया है। इस ऋण को सदैव हम अपने जीवन में लेकर आगे चलेंगे, ये विश्वास हम दिलाते हैं। ये एक इतिहास है भारत का। और श्री कृष्णायन देशी गौशाला, हमारे आदर्श गौशाला नगर निगम का जो बन चुका है, एक नया ऊर्जा का केंद्र है। जैसे आज सर्दी का मौसम में ये हीटर की आग एक ज्वालामुखी की तरह उज्ज्वल हुई है, वैसे ही यही श्री कृष्णायन देशी गौशाला एक ज्वालामुखी की तरह
गौ संरक्षण के रूप में भारत वर्ष में एक ज्वालामुखी की तरह उज्जवल हो चुकी है। मेरे भाइयों, मैं बधाई देना चाहता हूं एक समग्र और सस्टेनेबल विकास का मॉडल इस लाल टिपारा के गौशाला ने मार्ग प्रशस्त किया है पूरे भारतवर्ष में। और जहां एक आदर्श गौशाला हमारे मध्य प्रदेश शासन का आज बन चुका है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सभी हमारे अफसरों को भी मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। 31 करोड़ रुपए की सीएसआर के आधार पर हमारा यहां कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट बन रहा है। 100 टन गोबर और सब्जी मंडी से भाजियों को लेकर उसकी खपत के आधार पर करीब करीब 2-3 टन हमारा गैस बनेगा। और वो 2-3 टन जो गैस बनेगा हमारे नगर निगम के लिए 7 करोड़ का आय का स्रोत केवल नहीं बनेगा, लेकिन नगर निगम की सारी गाड़ियां वही कंप्रेस नेचुरल गैस के आधार पर चल पाएंगी। ये इतिहास लाल टिपारा गौशाला से आज पूर्ण रूप से निकल चुका है। जो प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है, भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। जहां एक तरफ गौशाला के संचालन में ये योजना मदद करेगी, वहां दूसरे तरफ संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूर्णता देने में भी ये लाल टिपारा गौशाला का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान आने वाले दिनों में रहेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि जब मेरा पहला प्रवास यहां हुआ था, स्वामी जीयों के साथ 2.5 घंटे हमने यहां बिताया। और जब स्वामी जीयों ने मुझे बोला कि ये हमारा नक्शा है, हमारी योजना है इस गौशाला के लिए, लेकिन गौ माता के लिए उनके संरक्षण के लिए नए शेड की जरूरत है, मुख्यमंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यहां से थोड़ी सी दूरी गोले के मंदिर पे मार्क अस्पताल की जमीन है जो अस्पताल के लिए आवंटित की गई थी, अब कोई और जगह बाकी नहीं रही थी हमारी गौ माता की संरक्षण करने के लिए, तो उस जमीन पर हमारी गौ माता को रखा गया था। आज मैं स्वामी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, और उनके आवेदन पर, निवेदन पर 3 करोड़ रुपए मैंने अपने सांसद निधि से इस गौशाला को दिलवाया ताकि नए शेड यहां बन पाए, हमारे गौ माता का संरक्षण बन पाए। और आज मुख्यमंत्री और नरेंद्र सिंह जी के हाथों के आधार पर हमारी गौ माता को उस नवीन शेड में प्रवेश दिलाया गया है। साधारण तौर पर गौ माता भी हां में हां मिला रही है। साधारण तौर पर जब अतिथि आते हैं तो टेप काट देते हैं, गेट खोल देते हैं, सर्वेक्षण करते हैं और कार्यक्रम के लिए निकल जाते हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने जब गौ माता को देखा तो रुके, उन्हें लूसन खिलवाया, उन्हें गुड़ खिलवाया, माला पहनाया, टीका लगवाई, और गौ माता के चरण छूने के बाद भी इसके ही इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। ये भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है, और हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है जो इस मंच पर आसीन है कि आने वाली पीढ़ी में भी यही मूल्य, यही सिद्धांत आने वाले भारत के जब नक्षत्र के रूप में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उभरने वाला है, एक आर्थिक रूप से शक्तिशाली भारत और एक आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली भारत, जहां उज्जैन का महाकाल लोक बन रहा है, जहां केदारनाथ और बद्रीनाथ का मंदिर का संरक्षण हो रहा है, जहां काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन रहा है, जहां अयोध्या में आने वाले 22 तारीख को भगवान श्री राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जा रही है, उसी तारतम्य में मुख्यमंत्री जी के द्वारा गौ माता का संरक्षण लाल टिपारे के गौशाला में किया जा रहा है। तो आज इस मंच से और ज्यादा न कहकर मैं यही निवेदन करूंगा, उत्कृष्ट गौशाला तो हमारा बन चुका है,
स्वामी जी के संरक्षण में, लेकिन आज इसे हमें 10 कदम आगे ले जाना है। मैं चाहूंगा कि ग्रामीण विकास का एक पर्यटन स्थल मेरा ये गौशाला बने। मैं चाहूंगा कि केवल ग्रामीण विकास पर्यटन का स्थल न बने, लेकिन ग्रामीण विकास का उत्सव भी इसी गौशाला में मनाया जाए। और मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा, हमने अपने तरह से योगदान दिए है, नरेंद्र सिंह जी ने अपने तरह से योगदान दिए है, नारायण सिंह जी ने, मुन्ना लाल जी ने, भारत सिंह जी ने, शेजवलकर साहब ने। मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश शासन भी जो कुछ भी कर पाए, लेकिन हमारे लाल टिपारे गौशाला के लिए कुछ न कुछ जरूर करे, ताकि एक उत्कृष्ट गौशाला ये मध्य प्रदेश का न बने, उत्कृष्ट गौशाला ये भारतवर्ष का न बने, उत्कृष्ट गौशाला ये पूरे विश्व का बनकर रह जाए। इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे एक मौका दिया आपके इस अभियान में एक कुछ योगदान सिंधिया परिवार की तरफ से हुआ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।